सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाइज्जत बरी हो गए। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जश्न का समा। बाइज्जत बरी होने पर कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े। जी बिल्कुल, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत का फैसला सुना दिया। 11 अक्टूबर को स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत की दरख्वास्त पर विकला को 12 अक्टूबर को दलायल मुकम्मल करने के लिए हिदायत की थी। FIA ने अदालत को बताया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराए रास्त पैसे जमा होने या निकलवाने के कोई शवाहिद नहीं। आज अदालत में समाहत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि तफ्तीशी असर ने गवाहों के बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। वकील ने मौकफ अपनाया कि 161 के बयान में किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जिक्र नहीं किया। रियासती कुव्वत के इस्तेमाल के बावजूद सरखरू हुए शहबाज शरीफ का बरियत पर रद्द अमल। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने कहा है कि लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत से बरियत के बाद अपने ट्वीट में वजीर आजम का कहना था कि हक जात ने फिर फजल फरमाया और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरियत का यह दिन दिखाया, जिस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है। उन्होंने कहा कि बदतरीन चीरा दस्तियों रियासी कुव्वत के इस्तेमाल इदारों को जरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालतों कानून और अवाम के सामने सरखरू हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर सरकारी दौरे पर कागिस्तान में मौजूद है। इस मौके पर फरजंदे विहाड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP विहाड़ी मियाँ साकिब रशीद ने कहा कि आज कायद मोहतरम वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ हमजा शहबाज के FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाइज्जत बरी होने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों और वर्करों से खताब करते हुए कहा कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर हक और सच की फतह हुई। सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया एक और मनगढ़ंत मुकदमा अपने अंजाम को पहुंचा। अल्लाह पाक का वादा है और बेशक बातल फना होने वाला है। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज भी अदालत से सरखरू सच से जीत गया, झूठ का मुंह काला हुआ। इमरान खान के लिए आज यौम शर्मिंदगी है। आज शहजाद अकबर अलमरूफ TT वाले की सरकार को भी शर्म से डूब मरना चाहिए। इमरान खान का इंतकाम एहतसाब का बयानिया दफन हो रहा है। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ भी जल्द सरखरू होंगे। हक जात ने फिर फजल फरमाया। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरियत का यह दिन दिखाया। इस मौके पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है। बदतरीन चीरा दस्तियों रियासी कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को जरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत कानून अवाम के सामने सरखरू हुए। अक्टूबर 12 अक्टूबर यौम स्याह नवाज सरखरू हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बब्बर शेरों को बहुत बहुत मुबारक हो। जी यथार्थ फ्रूट्स 100% नेचुरल फ्लेवर चेर्त ऑटोमेटेड अल्ट्रा मॉडर्न फैक्ट्री कई तोड़ाद निर्मित लाजा आइसक्रीम either real ice cream either supernatural Laza ice creams since 1970